तो सेलेक्ट अ कैटेगरी फॉर योर कोर्स, अगर कोई स्किल ऐसी तुम सिखाना चाह रहे हो तो टॉपिक सेलेक्ट करना, बट बिकॉज हम लोग टेंसेज पे कोर्स बना रहे हैं जो क्लासेस में पढ़ाया जाता है, आई विल सेलेक्ट क्लास बेस्ड कोर्स। नेक्स्ट, चूज विच टॉपिक और क्लास इज योर कोर्स रिलेटेड टू। तो देखा जरा जाए जरा कि ये क्या है। अच्छा ओके, तो नाउ वी हैव टू सेलेक्ट कि किस क्लास के किस सब्जेक्ट के लिए हम लोग कोर्स बना रहे हैं। अगर हम लोग टॉपिक सेलेक्ट करते तो क्या ऑप्शंस थे? कोडिंग, बिजनेस। अच्छा ठीक है, तो अगर लेट्स से बिजनेस से रिलेटेड अभी आदित्य या प्रखर में से कोई कोर्स बनाना चाह रहा था, तो बिजनेस में आई कैन सेलेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप या फिर सेल्स कैसे करते हैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप में डाल देंगे इस कोर्स को। बट बिकॉज अभी टेंसेस का कोर्स बना रहे हैं, किस क्लास के बच्चों को मेधा पढ़ा रहे हैं हम लोग अभी? आदित्य प्रखर सेवेंथ एट। सेवेंथ एट। शुभम तुम किस क्लास में हो? सर एट्थ। ठीक है, तो लेट्स से कि हम लोग सेवेंथ में इंग्लिश ग्रामर का कोर्स बना रहे हैं टेंसेस का, जिससे सेवेंथ क्लास के बच्चे या सिक्स क्लास के बच्चे या एट क्लास के बच्चे हैं वो इसको प्रेफर करें और इंग्लिश ग्रामर का कोर्स है। अगर किसी और सब्जेक्ट का कोर्स बनाना होगा, इट्स एज सिंपल एज सेलेक्टिंग सम अदर सब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब ये क्या बोल रहा है? चूज अ डिफिकल्टी लेवल। तो क्या हम लोग बेसिक से ये कोर्स बनाएंगे कि बिल्कुल शुरुआत से बच्चे को पता चले, या फिर एक एक्सपर्ट लेवल के लिए जिससे बेसिक, बिकॉज इफ वी विल मेक फ्रॉम एक्सपर्ट लेवल सो द चिल्ड्रन वुड नॉट बी अगर वो बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो उन लोग का थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा जो उन्होंने सीखा था। बिल्कुल सही बात है, तो बेसिक लेवल का कोर्स बनाएंगे। एक बार देखते हैं कि और क्या क्या क्वेश्चन टूल टिप बता रहा है। चूज अ डिफिकल्टी लेवल, ठीक है। नेक्स्ट क्या बता रहा है? एड कीवर्ड्स विच गिव यूजर्स एन आइडिया अबाउट द कोर्स। तो हम लोग एक कीवर्ड्स भी लिखने पड़ेंगे जिससे कोर्स के बारे में लोगों को पता चल सके, लोग अगर सर्च करते हैं टेंसेज तो उन्हें मिल सके। एंड लास्ट में क्या है? अपलोड अ पिक्चर विच बेस्ट डिस्क्राइब्स योर कोर्स, ठीक है। और फिर लास्ट में नेक्स्ट पे दबा देना है। गॉट इट। सबसे पहले लेवल सेलेक्ट करना है, तीन लेवल्स हैं, बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस। तुम लोग कह रहे हो बिगिनर का कोर्स है ना? यस सर। ठीक है, ऑल्सो अंडरस्टैंड कि अगर एक 11th क्लास का बच्चा होगा वो बिगिनर लेवल का कोर्स नहीं चाहेगा, वो एक एडवांस लेवल का कोर्स चाहेगा। या फिर अगर कोई तुम ऐसी स्किल सिखा रहे हो जिसमें थोड़ा एक्सपर्टीज चाहिए, जैसे आजकल मशीन लर्निंग एक बहुत पॉपुलर सा टर्म हो गया है, बट एक छोटा बच्चा जो अभी शुरू कर रहा है कंप्यूटर्स वो नहीं सीखना चाहेगा, सीखना भी चाहेगा तो उसके लिए मशीन लर्निंग का कोर्स थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो यहाँ पे तुम एडवांस सेलेक्ट करोगे अगर कोई एडवांस टॉपिक पे कोर्स बना रहे हो, बट अगर स्क्रैच से कुछ सिखा रहे हो तो बिगिनर सेलेक्ट करोगे। अगर कोई 9th-10th का बच्चा है या फिर कोई ऐसी स्किल है जो थोड़ा बहुत तुम्हें इंग्लिश आती हो तब भी तुम सीख सकते हो, थोड़ा बहुत कंप्यूटर आती है तब भी तुम सीख सकते हो, तो इंटरमीडिएट सेलेक्ट करना। बिगिनर पे किया। कीवर्ड्स, कीवर्ड्स क्या क्या लिखें? एक तो क्या टेंसेस कीवर्ड, बट इसमें क्या लिखा हुआ है? प्लीज प्रोवाइड एटलीस्ट वन कीवर्ड, प्रेस एंटर टू सबमिट। ठीक है, एंटर प्रेस कर देते हैं। और कोई कीवर्ड बताओ? सर सिंपल टेंस, प्रेजेंट, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, और प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, इतना ही लिखते हैं, और भी चाहो तो लिख सकते हो। लास्ट में कह रहा है अपलोड अ थंबनेल। थंबनेल क्या होती है? आप लोग की आवाज नहीं आ रही, क्या हो गया? सिर्फ शुभम और प्रखर पढ़ रहे हैं क्या? हेलो सर, आदित्य, सॉरी आदित्य, तुम्हारी और प्रखर की आवाज में थोड़ा हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं। व्हाट अबाउट अश्विनी? अश्विनी तो तुम्हारे एंड से हमें सारे स्टूडेंट सुनते हैं जब भी ऐसे सेशंस होते हैं या फिर सिर्फ अश्विनी सुनती है? नहीं सर, सारे जन हैं। ठीक है, तो तुम लोग को टेंसेस पढ़ाया गया है क्या? नहीं सर, अभी तक पढ़ाया गया नहीं। पता है टेंसेस क्या होता है? हाँ आता है सर। तो कुछ एक कीवर्ड बताओ, जैसे अभी लिखा है हम लोगों ने टेंसेस, सिंपल टेंस, पास्ट टेंस, वैसे एक और कोई कीवर्ड बताओ जो यहाँ पे लिख सके। कीवर्ड समझ में आया क्या कि क्या होता है? हाँ सर। बताओ फिर। फॉर एग्जाम्पल और कुछ बताओ टेंसेस के बारे में जो तुम लोगों को पता हो, पढ़ाया गया हो।
शुभम हेल्प हर आउट, कुछ और बताओ, कोई एक अगर और कीवर्ड लिखना हो। शहर उसमें हम लोग को मतलब कंफ्यूजिंग वाले मतलब आते थे, मतलब कि ऐसे ऐसे वर्ड आते थे जो हमें कंफ्यूज कर देते थे, वो राइट हम लोग को लगते थे बट वो राइट होते नहीं थे, मतलब तो एक ये हो कंफ्यूजिंग जैसे। सकता है, हाँ परफेक्ट टेंसेस, ठीक है। तो अश्विनी देखो, ये भी एक हो सकता था, परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस पढ़ाया, पता है क्या क्या होता है अश्विनी? हाँ सर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, करेक्ट। फ्यूचर। तो ऐसे ही कीवर्ड्स तुम लोग भी लगा सकते हो जब भी अपना कोर्स क्रिएट कर रहे होगे। लास्ट में क्या आया है, अपलोड अ थंबनेल। तो अश्विनी तुम्हारे एंड से पूछ रहे हैं, तुम्हारे अलावा कोई और बता सकता है क्या कि थंबनेल क्या होता है? सर कैन आई स्पीक? नहीं, बिकॉज तुम्हें पता ही है, आई नो कि तुम्हें पता है। अश्विनी के एंड से एक बार जानना चाहते हैं, इज देयर एनीबॉडी एल्स हु कैन कंट्रीब्यूट एंड टेल मी कि थंबनेल क्या होते हैं? अश्विनी एक बार मराठी में पूछो सबसे। नो सर, तुम्हें पता है अश्विनी? नहीं सर, ठीक है, तो अब बता सकते हो जिसने बोला था कि आई वॉन्ट टू टेल। यस सर। सर थंबनेल एक ऐसी चीज होती है जिससे जो व्यूअर है उससे पता चलता है कि इस कोर्स में होने क्या वाला है। लाइक हम एक कोई टेंसेस की फोटो बना के खुद से या गूगल से डाल सकते हैं, तो अगर वो उसको देखेगा तो उसको अंडरस्टैंड रहेगा कि हाँ इस उसमें होने क्या वाला है। लाइक यूट्यूब में होता है तो लोग अपना लिख देते हैं स्मॉल डिस्क्रिप्शन कि ये करेक्ट होने वाला है। सर, कैन आई तो टेल? थंबनेल, सर सर कैन आई टेल? ठीक है, हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। शुभम नेक्स्ट क्वेश्चन तुम पूछ, बता देना। ओके, थंबनेल इज बेसिकली अ फोटो या इमेज जो हम लोग लगा सकें, लेट्स सी कि ये बिना इन, देखे ही, मतलब बिना हाँ देखे ही वो समझ, बिना मतलब देखे समझ सकें। बिल्कुल परफेक्ट, बिना देखे समझ सकें कि ये चीज किस बारे में है। तो अभी तो मेरे पास थंबनेल नहीं है कोई टेंसेस का, तो क्या कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं। जैसा किसी ने सही से बोला, टेंसेस गूगल पे सर्च किया, इमेजेस पे क्लिक किया। आई थिंक ये सबको पता होगा कि कैसे करते हैं गूगल पे इमेजेस सर्च, है ना? सर ये यस सर, पास्ट प्रेजेंट ये फ्यूचर सर ये वाली रख सकते हैं। हाँ सर, वाली फोटो अच्छी लग रही है, राइट? थोड़ा कैची सी भी है, तो इसको राइट क्लिक किया, सेव किया। एंड बाय द वे, तुम लोग बियॉन्ड एग्जाम्स पे कोर्सेज सिर्फ लैपटॉप पे नहीं, मोबाइल पे भी बना सकते हो। तो जिसके पास लैपटॉप ना हो, ऐसा ना सोचे कि अरे यार मैं तो नहीं कर सकता ये, मोबाइल पे भी अगर beyondexams.org खोलोगे, यू विल बी एबल टू फॉलो दिस एग्जैक्ट प्रोसीजर टू क्रिएट अ कोर्स। ठीक है अश्विनी? तो तुम लोग के पास अगर लैपटॉप नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यू गाइस कैन इजीली डू इट। हाँ सर, तो हमने ये इसको क्रॉप किया, डन कर दिया। जैसे ही डन किया ये आ गया नेक्स्ट। ठीक है, तीन चीजें कंप्लीट हो गई, सिर्फ एक लास्ट स्टेप बचा है, कोर्स कंटेंट, जिसमें क्या लिखा हुआ है, मॉड्यूल्स आर सेक्शंस इन विच योर कोर्स विल बी डिवाइडेड एंड कॉपी एंड पेस्ट एनी वीडियो लिंक फ्रॉम यूट्यूब और बियॉन्ड एग्जाम्स एंड और यू कैन क्लिक दिस बटन टू सर्च। गॉट इट? ठीक है, तो अब लास्ट स्टेप है ये, इसके बाद खत्म हो जाएगा ये पूरा ट्यूटोरियल जो हम दे रहे हैं तुम लोग को। ये चीज अगेन तुम लोग कोर्सेज पे क्लिक करके उस कोर्स में जाके भी देख सकते हो, हाउ टू क्रिएट अ कोर्स वाले कोर्स में। तो मॉड्यूल्स आर बेसिकली, जब भी तुम लोग कोई चैप्टर पढ़ते हो, लेट्स से टीचर भी तुम्हारी कोई पढ़ाए तुम्हें, तो अगर तुम्हें टेंसेस पढ़ना है तो उसमें सब जो टॉपिक्स होते हैं ना उसके अंदर, जैसे कि डेफिनेशन ऑफ टेंसेज, टाइप्स ऑफ टेंसेज, हाउ टू यूज टेंसेज इन अ सेंटेंस, है ना? यस सर, तो वैसे यस भी मॉड्यूल्स भी हैं। तो मॉड्यूल को हम लोग ने पहला मॉड्यूल बना दिया, क्या लिखें, डेफिनेशन ऑफ टेंसेज लिखें कि इंट्रोडक्शन टू यस टेंसेज, सर, पार्ट 2 वाले? इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसेस। इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसेस, सबमिट। ठीक है, तो ये अपडेट हो गया, यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसेस। अब हम लोग को इसमें वीडियो ऐड करनी है, तो दो तरीके से वीडियो ऐड की जा सकती है बियॉन्ड एग्जाम्स पे। एक तो है कि एग्जिस्टिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज रियलाइज करो, जब भी तुम्हें कुछ सीखना होता है तो हर बार तुम्हें नई वीडियो नहीं बनानी पड़ती है, तुम यूट्यूब पे जाते हो एंड तुम्हें प्रॉबेबली बेस्ट वीडियो मिल जाती होगी उस टॉपिक से रिलेटेड, राइट? यस सर, तो हम लोग यस ने सर, बियॉन्ड एग्जाम्स पे भी प्रोसेस इतना ही सिंपल कर रखा है कि अगर कोई भी यूट्यूब पे तुम्हें वीडियो मिलती है टेंसेस से रिलेटेड जो पढ़ते पढ़ते तुम्हें अच्छी लगती है, यू कैन सर्च यूट्यूब वीडियोज यहाँ पे, या फिर यूट्यूब पे देखते समय अगर तुम्हें कोई वीडियो अच्छी मिलती है तो उसका यूआरएल कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे सर्च किया डेफिनेशन ऑफ टेंसेस, जैसे एंटर दबाएंगे जो
यहाँ पे बहुत सारे YouTube की वीडियोस आ जाएंगी, एंड अगेन ये चीज़ तुम लोग YouTube पे भी जाके कर सकते हो, हम लोग ने यहाँ पे भी अच्छा सा इंटरफेस दे रखा है तुम्हें। कोई वीडियो अच्छी लग रही है, इंटरेस्टिंग सी? सर ये डियर सर वाली अच्छी लग रही है। डियर सर 2 महीने का कोर्स सिर्फ 2 घंटे में। 2 महीने का कोर्स सिर्फ 2 घंटे में, अच्छा ठीक है इसको देखते हैं। ये देखो ये YouTube की वीडियो यहाँ पे लोड हो रही है, प्ले किया, लेट्स सी कि ये वीडियो कैसी है। इसको डालने से पहले सर इज देयर चांस ऑफ कॉपी स्ट्राइक सर? सर एक्सक्यूज मी सर, यस सर इज देयर चांस टू कॉपीराइट स्ट्राइक? कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक इसे यहाँ पे दे सकता है क्या सर? से दैट अगेन सर, मतलब हम लोगों ने कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है क्या लाइक YouTube? बट आई डोंट थिंक सर। नहीं यार, तो ये YouTube खुद से ये सर्विस प्रोवाइड करता है कि हम लोग बियॉन्ड एग्जाम्स के साथ भी YouTube का सर्विस ये इनकॉर्पोरेटेड है कि एनी वीडियो दैट इज ऑन यूट्यूब कैन बी यूज ऑन बियॉन्ड एग्जाम्स। जब को तुम वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करते हो उस वक्त यूट्यूब तुमसे पूछता है कि क्या ये, जैसे ये देखो ये आ गया वीडियो अनअवेलेबल। तो जब भी कोई क्रिएटर कहता है नहीं मैं तो सिर्फ यूट्यूब पे अपनी वीडियो को रखना चाहता हूँ, तो ये वीडियो अनअवेलेबल आ जाएगा दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे। अदरवाइज जितनी भी वीडियोज यहाँ पे दिख रही हैं ये सारी वीडियोज तुम लोग यूज कर सकते हो अपने कोर्स में, नॉट एन इशू एट ऑल, कोई कॉपीराइट इशू नहीं होता इसका, ठीक है? यस सर। तो वो तो यार जो तुमने वीडियो देख बोली थी वो 2 घंटे की है, उसको तो नहीं देखेगा कोई 2 घंटे की वीडियो। ये वीडियो देखते हैं, छोटी सी वीडियो है, 2 मिनट की वीडियो है, लेट्स सी कि ये किस बारे में है। Hi friends, welcome to my channel English Learning. If you started to learn any language, start our learning procedure. मजा नहीं आ रही, ऐसे ही तो तुम लोग डिफरेंट वीडियोस देख सकते हो। एंड अगर तुम्हें लगता है कि सर अगर कोई हिंदी में वीडियो हो, क्योंकि अगर कोई बिगनर है तो उसे इंग्लिश इतनी ना समझ में आए तो और अच्छा होगा, तो YouTube पे सर्च कर सकते हो डेफिनेशन ऑफ टेंसेस इन हिंदी। अगर तुम्हें कोई अच्छी वीडियो मिल जाती है तो उसे तुम यहीं पे ऐड कर सकते हो, बट अगर तुम्हें कोई अच्छी वीडियो नहीं मिलती है दैट मीन्स कि अच्छा कंटेंट अभी इस कोर्स से रिलेटेड नहीं है, दैट मीन्स तुम एक अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, बी इट किताब से पढ़ के या खुद से पढ़ा के या स्क्रीन शेयर करके या जैसे भी, ठीक है? अगर तुम्हारे पास ऐसी वीडियो हो, हाउ विल यू ऐड योर ओन वीडियोज टू यहाँ पे? तो यहाँ पे एक चीज़ ये है कि वाई ओनली रिस्ट्रिक्ट योर नॉलेज टू बियॉन्ड एग्जाम्स? यूट्यूब हर कोई बियॉन्ड एग्जाम्स को हो सकता है ना जानता हो, अभी हम 4 लोग को बता रहे हैं, हो सकता है अगले साल तक बहुत सारे और लोगों को पता चल जाए, बट अंटिल देन द ईजिएस्ट वे इज कि जो भी तुम लोग वीडियोज क्रिएट कर रहे हो उसको अपने यूट्यूब के चैनल पे डालो एंड वहां से वीडियोस को इजीली बियॉन्ड एग्जाम्स पे लिंक की तरह डाल दो। इससे क्या होगा, योर वीडियो विल नॉट जस्ट बी ऑन वन प्लेटफॉर्म, इट कैन बी ऑन एज मेनी प्लेटफॉर्म्स एज यू वांट एंड इट्स ऑल राइट। द एम इज कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लोग सिखा सके, अपनी नॉलेज बांट सकें, एंड द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर दिस इज यूट्यूब। तो यूट्यूब पे क्या किसी ने वीडियो तुम लोग में से अपलोड की है? यस सर। अश्विनी तुम लोग ने कभी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड की है क्या? नहीं सर। तो आई वुड वांट कि तुम्हारे कंप्यूटर सर कौन है? दीपक सर है ना? हाँ दीपक सर। बाकी छोटे बच्चों को समीक्षा मैम भी पढ़ाती हैं शायद कंप्यूटर साइंस? हाँ हाँ सर। तो दोनों जितने भी कंप्यूटर टीचर्स हैं सबसे एक बार बोलना कि मुझे यूट्यूब पे वीडियो कैसे अपलोड करते हैं सिखाएं, ठीक है सर? हाँ। तो तुम लोग की जो क्लासेस होती है ना, अश्विनी शुभम सबसे बोल रहे हैं, मेधा मैम जो लेती हैं, अंजलि मैम लेती हैं, आरुषि मैम लेती हैं, जितने भी टीचर्स लेते हैं सबकी वीडियोस हम लोग मोर देन मार्क्स के यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड करते रहते हैं। तो तुम लोग को जो पढ़ाया जाता है, जैसे अभी कॉमिक सेशन हुआ था उसकी भी वीडियो अपलोड होने वाली है, किसी ने मैसेज किया है, लेट मी चेक क्या मैसेज है। सॉरी एवरीवन, आर यू ऑल फ्रॉम वन स्कूल और कॉलेज? तो नहीं ऋतु, वी दे आर ऑल फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस। अश्विनी एक ऑर्फनेज, एक अनाथालय में रहती है, तो वहाँ पे 20 स्टूडेंट्स हैं जो हम लोग के साथ पढ़ते हैं। अदरवाइज शुभम एक अलग शहर का है, सिटी का है, प्रखर अलग सिटी का है, आदित्यनंद अभी कहीं और है, एंड सब लोग ऑनलाइन मोर देन मार्क्स की क्लासेस लेते हैं। तो अगेन एक बार बता देते हैं, सो कॉमिक क्लास हुई थी अभी शुभम तुम लोग की, राइट? यस सर। यस सर। तुम लोग मोर देन मार्क्स के यूट्यूब चैनल पर जाओगे, यू विल सी कि जो भी ये क्लासेस हो रही हैं, ये एक्सपर्ट सेशन जो हो रहा है, इन सब की वीडियोस ऑनलाइन तुम्हें यहाँ पे मोर देन मार्क्स के यूट्यूब चैनल पे दिख जाएंगी। तो अगर कभी भी तुम लोग की क्लास छूट जाए, तुम लोग को रिवाइज करना हो, यू कैन गो अहेड एंड सी दीज वीडियोज ऑन मोर देन मार्क्स, एंड यही वीडियो
इसमें सर सर आर दीज वीडियो डेली अपलोडेड? तो ये डेली अपलोड नहीं होती है, हम लोग को थोड़ा सा एडिट करना होता है जिससे बेटर वीडियोस बन पाए। तो अगर आज कोई वीडियो कोई क्लास हुई है तो एक 3 4 दिन में उसकी वीडियो अपलोड हो जाती है। जैसे कि अभी क्रिएट योर ओन कोर्स ऑन बियॉन्ड एग्जाम्स जैसे तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, तो ये वीडियो देखो यहाँ पे पहले से है। कंप्यूटर साइंस की क्लास में सरप्राइज तुम लोग के लिए, प्रखर, आई थिंक प्रखर आदित्य उस क्लास में आए थे जहाँ पे प्रेजेंटेशन कैसे अच्छी बनाते हैं इस चीज पे डिस्कशन हुआ था, याद है? यस सर तो उसके लिए भी यस देखो यहाँ सर पे हाउ टू क्रिएट सिंपल येट इफेक्टिव प्रेजेंटेशंस, इससे रिलेटेड वीडियो बनी हुई है जहाँ पे। सर कैन यू शेयर द लिंक ऑफ द चैनल? पहले शुरू करते हैं, कैन यू टेल मी कि एक अच्छी प्रेजेंटेशन अगर बनानी है तो उसके लिए तुम्हें क्या-क्या सिखाया गया है, व्हाट डू यू नो? सर आपने जैसे सर अगर एक अच्छी प्रेजेंटेशन बनानी तो सर इसे सही लोग देखते हैं सर पहले ही ये चीज। तो ये वीडियो तुम लोग की कंप्यूटर क्लास की है, इसमें देखो प्रखर और आदित्य तुम ही लोग जो पॉइंट्स बोल रहे हो उसी को हम लोग ने थोड़ा सा दिखा के अच्छे से अपलोड किया हुआ है। डू नॉट यूज एक्सेसिव टेस्ट, यूज पिक्चर्स, एंड यही सब चीजें मॉडर्न मार्क्स पे हर क्लास के लिए हम लोग कर रहे हैं, एंड इट विल बी अपलोडेड पब्लिकली ऑन आवर चैनल जिसका हम लोग अभी तुमसे शेयर कर देंगे। तो अगर तुम लोग को कभी बायोलॉजी पढ़ाई गई है या फिर इंग्लिश में कुछ और पढ़ाया गया है, हर क्लास को धीरे धीरे हम लोग इस पर अपलोड करते जा रहे हैं, मैथ्स से रिलेटेड, बायो से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड। एक्सपर्ट सेशन जो होते हैं जिसमें कॉमिक बनाना सिखाया गया था, तो ये देखो एक्सपर्ट सेशन ऑन सैटरडेज का भी एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जहाँ सर पे क्लासेस क्लासेस कहाँ पढ़ाए जाते हैं? कहाँ पढ़ाए जाते हैं तो हम लोग की मॉडर्न मार्क्स पे मीट पे क्लासेस होती हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू नो मोर, रितु तुम उस ग्रुप में एडेड हो क्या? अभी जो एक्सपर्ट सेशन का ग्रुप बनाया हुआ है यस सर, तो उस पे यस सर आज मतलब आज ही राइट ऐड हुआ है। यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन देयर आल्सो, जहाँ पे हम लोग तुम्हें फिर कनेक्ट कर देंगे कि क्लासेस कहाँ पे होती हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, एंड इफ यू वांट यू कैन आल्सो एनरोल। ठीक है, ओके सर, ऑल राइट। तो जितने भी कंप्यूटर क्लासेस में होती हैं तुम लोग की, अगर तुम्हें यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना नहीं आता है तो प्लीज आस्क योर कंप्यूटर टीचर कैसे अपलोड करते हैं। वंस यू हैव अपलोडेड दीज वीडियोस गो बैक टू बियॉन्ड एग्जाम्स, यहाँ पे अगर तुम वही वीडियो सर्च करोगे या उनका वीडियो लिंक कॉपी करोगे, लेट्स से एक्सपर्ट सेशन का ये लिंक था, कॉपी लिंक एड्रेस, इसको कॉपी करके यहाँ पे अगर पेस्ट किया और फेच पे क्लिक किया तो यू विल सी कि वीडियो एडिट सक्सेसफुली, यहाँ पे ये वीडियो आ गई, बट ये टेंसेस की वीडियो नहीं है तो अभी हम इसको डिलीट कर दे रहे हैं। जैसे ही एक वीडियो ऐड हो गई, तुम्हारा ये कोर्स कंप्लीट हो गया, यू कैन क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड यू विल सी कि तुम्हारा ये कोर्स क्लास 7th के इंग्लिश ग्रामर में इंटरेस्टिंग वे टू लर्न टेंसेज का बन गया है, टॉट बाय अ स्टूडेंट, जहाँ पे तुमने डिस्क्रिप्शन लिखा था आ गया है, एंड एनी बडी कैन गो टू दिस कोर्स एंड एनरोल इन दिस कोर्स एंड वॉच द वीडियोज दैट यू हैव जस्ट शेयर्ड। इससे क्या होगा, टू मेक एनी कोर्स, यस दिस इज वेरी इजी टू क्रिएट अ कोर्स, एंड हम लोग ने इसीलिए इतना ईजी बना रखा है कि कोई भी ये कोर्स क्रिएट कर सके। तो वट आई वुड सजेस्ट इज कि जो यहाँ पे टीचर्स और स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं, ट्राई करो कि जो भी तुम्हें डेली बेस पे पढ़ाया जा रहा है ना, चाहे मॉडर्न मार्क्स पे, चाहे अपने स्कूल में, चाहे घर में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ते हो, उसको यूट्यूब पे सर्च करो वट आर द वीडियोज अवेलेबल जो तुम्हें बेस्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं इन चीज़ों को, एंड उनसे रिलेटेड कोर्सेज बियॉन्ड एग्जाम्स भी बनाओ। इट विल हेल्प यू रिवाइज दीज टॉपिक्स एज वेल, एंड ऑल्सो जितना कोर्सेज बनाओगे द चांसेज ऑफ यू गेटिंग पेड फॉर देम विल ऑल्सो बी मोर, एंड तुम्हारी प्रोफाइल जो बन रही है ना, ये देखो यहाँ पे प्रोफाइल का सेक्शन होता है, यहाँ पे एज सुन एज यू क्लिक ऑन दैट यू विल सी कि क्या क्या कोर्सेज बन चुके हैं तुम्हारे पहले। तो एनी बडी हु फॉलोज वन ऑफ योर कोर्सेज कैन एक्चुअली एनरोल इन अदर कोर्सेज एज वेल। ठीक है, तो दिस इज इट, ये एक छोटा सा ट्यूटोरियल था एज टू हाउ यू कैन कंटिन्यू लर्निंग, रिवाइजिंग योर सब्जेक्ट्स एंड स्टार्ट अर्निंग सम मनी आउट ऑफ इट एज वेल। तो इफ यू वॉन्ट टू टेक पार्ट इन दिस कॉम्पिटिशन फॉर क्रिएटिंग न्यू कोर्सेज, गो टू बियॉन्ड एग्जाम्स, क्लिक ऑन दिस फर्स्ट कोर्स हाउ टू क्रिएट अ कोर्स एंड एनरोल करो इस कोर्स में, सो दैट वी नो कि यू आर इंटरेस्टेड। उसके बाद जब भी तुम्हें टाइम मिले, आज कल परसों, आफ्टर योर एग्जाम्स आर ओवर, हम लोग से बोलना, वी विल मोर बी मोर देन हैप्पी कि तुम लोग की प्रॉब्लम्स को हम लोग इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सॉल्व कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर लेट से तुमने इसी पे गए, तुमने ये पहला कोर्स देखा, तुमने ये वीडियो पे क्लिक किया, खोला, ये वीडियो आई, अब
तुम्हें इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हुआ इस वीडियो से रिलेटेड, यही बगल में एक सेक्शन है हम लोग का क्यू एन ए का, जहाँ पे तुम कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो से रिलेटेड पूछ सकते हो कि आई डिडेंट अंडरस्टैंड हाउ टू लर्न वट आर टेंसेज. और जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं इस प्लेटफॉर्म पे, दे विल एक्चुअली गो अहेड एंड आंसर दीज क्वेश्चन. आई डोंट अंडरस्टैंड वट आर टेंसेज, यहाँ पे जीरो आंसर्स हैं. एंड अगर एक दो दिन बाद देखोगे, आई एम श्योर समवन फ्रॉम द कम्युनिटी, इट कुड बी अ स्टूडेंट, इट कुड बी अ टीचर, विल एक्चुअली गो अहेड एंड आंसर दिस क्वेश्चन. जिससे जो चीज़ अभी प्रॉब्लम हो रही है ऑनलाइन पढ़ने में कि हर समय अवेलेबल नहीं होता कोई तुम्हारे क्वेश्चन आंसर करने के लिए, वो भी बियॉन्ड एग्जाम से तुम लोग आंसर कर सकते हो. कोई वीडियो देख रहे हो और तुम्हें उसमें कोई क्वेश्चन है, बेझिझक होकर यहाँ पे पूछो, एंड somebody फ्रॉम द कम्युनिटी विल एक्चुअली हेल्प यू आउट.